गर्मी का सीजन आने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों की बात करें तो वो झुलसने लगे हैं। हल्द्वानी के जंगलों में आग लगी है, फतेहपुर रेंज के साथ मनोरा के जंगल में आग लगी है और जिससे वन विभाग को काफी नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें बीती रात की हैं जो आप देखेंगे स्क्रीन पर, कि वन विभाग के अधिकारियों ने ये उम्मीद यहां जताई है कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा, लेकिन हल्द्वानी से आई तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये वन संपदा आखिर इस तरह से आग के हवाले। गर्मी की शुरुआत से होने की तस्वीरें लगातार आती हैं, लेकिन कल रात से ये जो तस्वीरें आई हैं इस पर क्या एक्शन लिया गया है, बुझाने के लिए क्या प्लानिंग है? फतेहपुर रेंज का ये एरिया पड़ता है, क्या कहते हैं, बहुत घना जंगल है और वहाँ भी रेंज स्तर पर 22 लोगों की टीम 6-7 जगहों पर क्या कहते हैं आग बुझाने में जुटी हुई है और चट्टानी एरिया होने के कारण परेशानी हो जाती है आग बुझाने में, लेकिन जल्दी ही आग पर काबू पाया जाएगा। इसी खबर पर जानकारी लेते हैं सहयोगी अंकित शाह से। अंकित, ये बताइए कि क्या आग अभी बुझ चुकी है, ये जो टीम बनाई गई है वो किस तरीके से काम कर रही है, कैसी जानकारी है? देखिए सुनता, आपको बता दीजिए हल्द्वानी के सटे जो जंगल है वहाँ इन दिनों आग लगी हुई है और सबसे बड़ी बात है जो वन विभाग की टीम फायर लाइन स्टैंडिंग बना देती है उसकी दावों की पोल खोलते हुए साफ नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी का सीजन है और धीरे धीरे गर्मी और बढ़ती रहेगी तो ऐसे में वन विभाग को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति देखी नहीं गई, फतेहपुर रेंज में है और मनोरा रेंज में जहाँ पर इन दोनों जंगलों में आग लगी हुई है, वही वन विभाग प्रयास करने की बात कर रहे हैं, बाइक टीम बना दी है जो अन्य अन्य राज्यों अन्य अन्य क्षेत्रों में जा रही है। और लेकिन स्थिति यह है कि रात के समय में और शाम के समय में आंधी तूफान आ रहा है तो उससे आग और भड़क जा रही है। फिलहाल जो वन विभाग की बात करें तो वन विभाग अपने से पूरा प्रयास करने की कोशिश करता है, लेकिन जो पूरी जिस तरह से आग लगी है पूरी पोल खोलते हुए साथ में यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर अंकित नजर रखिए कि ये जो नई टीम बनाई गई है वो कर क्या रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और उनके आने वाले वक्त को लेकर क्या प्लानिंग है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हल्द्वानी की तस्वीरें और पहाड़ों में रहना, पहाड़ जैसी समस्याओं का सामना करना ये नियति सा बन गया है। पहाड़ों में रहने वालों की अगर आप बात करें तो पिथौरागढ़ जिले की कर लीजिए आप, देखिए जहां तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी सड़क की सुविधाएं नहीं है। बीमार लोगों को मुख्य मार्ग तक ले जाने के लिए 7-7 किलोमीटर तक पैदल दूरी, कैसे मरीज को डोली में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, जरा देखिए इन तस्वीरों को। हालात ये है कि पैदल रास्ते भी इतने सकरे हैं, इतने खतरनाक हैं कि पहाड़ों के 7 किलोमीटर की दूरी काफी होती है और इसे तय करने में घंटों का वक्त लग जाता है। उम्मीद यही रहती है कि मरीज अस्पताल तक पहुंचे और उसे इलाज मिल पाए। मुनस्यारी तहसील के बांस बगड़ के खेत भराड़ गांव में ऐसी ही समस्याएं हैं। वहीं की तस्वीरें देखिए, ग्राम प्रधान बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र ऐसे ही बदहाली है, यहां पर ये कोई नया नहीं है, यही नियति सी है इनकी। जहां सड़क मार्ग नहीं होने के अभाव से लोगों को, मरीजों को इस तरह से डोली के सहारे ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्रामीण जनता की बदहाली ये है कि यहाँ पर कोई सड़क मार्ग नहीं है, सड़क मार्ग के अभाव के कारण यहाँ पर आज भी मरीजों को डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुँचाया जा रहा है। और हालात ये हैं आज की, यहाँ पर कई बार ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया गया, कई बार ग्रामीणों ने विभाग को भी इस बारे में चेताया कि आप हमें सड़क दीजिए और हमें सरकार से भी यही आज हमने मांग करी कि यहाँ पर सड़क का निर्माण जल्द से जल्दी करा जाए। और बदहाली का कारण आज ये बना हुआ है कि यहाँ पर कोई सड़क नहीं है। और दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के मुद्दों पर कई अहम बातचीत भी की। गणेश जोशी से बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो आज आपने प्रभारी से मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई है, उत्तराखंड के विकास को लेकर क्या निर्देश दिए गए? देखिए, आज मैं अपने प्रवास के दौरान अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करने आया हूँ कि मेरे जैसे फौज के सिपाही को, जो पहले फौज में सिपाही था, आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, कामना मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दर्जे से आज नवाजा है। मैंने उनको भरोसा दिलाया, जिस विश्वास के साथ मेरे नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस भरोसे पर यह सिपाही खरा उतरेगा और 2022 में एक बार फिर तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, ऐसा भरोसा मैंने अपने नेतृत्व को दिया है। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि 4 धाम तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं,
गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार, एक पांचवा धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री और मेरे द्वारा उसका शिलान्यास किया जा चुका है। हम 13 अप्रैल से एक शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। हम उन शहीदों के परिवार में जाएंगे जिनके लोग शहीद हुए हैं, वहाँ से हम उस घर की मिट्टी लेकर आएंगे और एक सम्मान पत्र सरकार की तरफ से उनको देंगे, और जिस दिन सरकार के 100 दिन पूरे होंगे उस वहाँ पर हम उसका भूमि पूजन करेंगे। उसमें हमारा कोई केंद्रीय नेता माननीय राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी या जो भी उपलब्ध होगा वहाँ पर आएंगे। क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम। आपको बताएं, साल्ट विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ये मीटिंग होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा प्रभारी उत्तराखंड के दुष्यंत गौतम कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बैठक में मदन कौशिक, संगठन के कई नेता मौजूद रहेंगे। साल्ट उपचुनाव की तैयारियों पर ये मीटिंग होनी है। बड़ी खबर, देहरादून में एक बैठक है, कुंभ को लेकर सचिवालय में यह बैठक आयोजित है, जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। हाई कोर्ट से की ओर से लिया जा रहा है कुंभ के कामों का फीडबैक, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुड़े हैं और बैठक में पूछा जा रहा है कि कुंभ के मद्देनजर जो तैयारियां हैं वो जरा बताइए। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी विनोद कुमार से। विनोद, बताइए किस तरह की जानकारी मिल पा रही है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से ये बड़ा पहल, बड़ा कदम। जी रेलता, देखिए आज एक जवाब दाखिल करना था उत्तराखंड शासन को, और कुंभ में जो भी तैनात बड़े अफसर हैं जिनकी तैनाती कुंभ में है, और किस तरीके की तैयारी थी, हाई कोर्ट की तरफ से, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से एक जवाब दाखिल करने को कहा गया था। तो आज उन्होंने ऑनलाइन एक जवाब दाखिल किया है शासन की ओर से। उसमें आज चीफ जस्टिस जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम, और तमाम शासन के अफसर रहे उसमें मौजूद, रहे मुख्य सचिव खुद थे, डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। उन्होंने तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं कुंभ को लेकर हो वो सारी गिनाई, और तमाम जो सुनवाई होनी थी वो भी आज उसका भी जवाब दिया। लिहाजा भाई 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का नोटिफिकेशन आज हो जाएगा, ये जानकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से दी गई है। तो ये जरूर माना जाए कि जिस तरह से कोर्ट की सख्ती और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बिल्कुल। तो कुल मिला के विनोद, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर किसी की नजर इस कुंभ पर है और यहाँ तैयारियों में खामी या चूक की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद। तो देखिए ना, कुंभ की तारीख नजदीक आते ही अधिकारी दफ्तर छोड़कर फील्ड में दिखने लगे हैं, जिसकी वजह से दफ्तर खाली नजर आ रहे हैं। मेला अधिकारी, अपर मेला अधिकारी, उप मेला अधिकारी अब फील्ड में तैनात रहने के निर्देश इन्हें मिल चुके हैं। मगर इसी बीच बैरागी कैंप में अगर आप देखें तो अभी तक कोई सुविधाएं नहीं है, यहाँ कमी नजर आ रही है, जिसे लेकर संत पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। अधिकारी बैरागी कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन अभी तक तैयारियां अधूरी ही दिख रही हैं। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, ये देखिए फील्ड में अब दिखने लगे हैं, दफ्तर भले खाली हो गए हैं लेकिन उसका असर दिखना चाहिए। साधु संतों की अगर बैरागी कैंप की बात कर रहे हैं, कुछ समस्या का समाधान हुआ वहां से कोई खबर? मात्र अब 6 दिन का वक्त बचा है, जब कुंभ का नोटिफिकेशन हो जाएगा कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। जो है तो उनमें बैठक चल रही है, तमाम कार्यों को लेकर फीडबैक चल रही है। हाईकोर्ट ने भी कुंभ के कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे काम है संस्था यहाँ जो पूरे नहीं हुए हैं। और अब अधिकारी देर से ही जागे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि वो फील्ड में नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही वो गए थे, लेकिन जिस तरह से अब मुस्तैदी दिखाई जा रही है वो पहले नजर नहीं आई है। बैरागी कैंप की आपने बात की, वहाँ पर अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शौचालय का अस्थायी शौचालय बने उनका निर्माण नहीं हुआ है, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है, कई जगह जो पाइपलाइन डलनी है पानी की उनको खोद कर डाल दिया गया है, अभी उनको बंद नहीं किया गया है। तो धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है वहाँ पर, बैरागी अखाड़े के जो तमाम संत है उन्हें दिक्कतें हो रही है, पानी का छिड़काव वक्त पर नहीं किया जाता है, हवाएं चलती है तो दूर से सारे जो सन्यासी है वो हट जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जब वक्त था, यानी कि इससे पहले जब पहले ही मेला प्रशासन के पास वक्त था, तो उस वक्त तैयारियां पूरी नहीं की गई थी। हालांकि एक बात जरूर है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बनने के बाद ही बैरागी अखाड़ों को जमीन अलॉटमेंट करने के आदेश जारी हुए थे और वो एक हफ्ते से काम भी चल रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि मेला प्रशासन का दावा है कि वो दिन रात काम कर रहे हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाएं वहां चाकचौबंद हो जाएंगी, लेकिन अब 24 तारीख से बात करें तो अब मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं मेले की शुरुआत में और वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, तो इस बात से सन्यासी नाराज हैं। बिल्कुल पंकज, वक्त भले
सीटें कम है लेकिन युद्ध स्तर पर काम दिखना भी चाहिए। जमीन पर कोशिश है लेकिन वो रंग भी लाए। देखते हैं कि आगे किस तरह की तस्वीरें मिलेंगी। आप बने रहिए, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि अगली खबर है तीरथ सिंह रावत ने सीएम बनते ही ऐलान तो किया कि कुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, मगर धर्मनगरी के हालात ये हैं कि ज्यादातर लोग ना मास्क लगाते दिख रहे हैं ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अभी ये हालात हैं तो कुंभ के समय स्थिति होगी कैसे? इन सभी हालात पर कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी पंकज बने हुए हैं हरिद्वार से, हम उन्हीं का रुख करेंगे। महाकुंभ का आयोजन शुरू हो गया है और भारी संख्या में हरिद्वार में इस वक्त श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं ये चुनौती हो गई है कि हरिद्वार में कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए। इस वक्त मैं हर की पौड़ी में मौजूद हूँ। इस साइड का जो एरिया है ये मार्केट का एरिया है और ये सीधे हर की पौड़ी को कनेक्ट करता है। इधर हर की पौड़ी पर आरती का कुछ देर बाद आयोजन किया जाएगा। तमाम लोगों की आवाजाही हो रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, किसी ने मास्क लगाया है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है। एक युवा भी हमारे साथ में है। मास्क कहाँ है भैया आपका? मास्क भैया अभी उतारा ही भाई पॉकेट में है, अभी उतारा है, अभी ना गए ना बात। कितने मामले बढ़ रहे हैं तो दिक्कत होनी, दिक्कत हो जाएगी। हाँ बात सही है आपकी, बात जेन्युइन है। आपने भी नहीं लगाया मास्क? सॉरी सर, आपको लगाना चाहिए ना मास्क। लगाना चाहिए, आपकी बात एकदम सुनी हमने, ये लीजिए। क्या संदेश देंगे कि लोग आए मास्क लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मास्क तो बिल्कुल जरूरी है और आप जो ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो आपको बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे जो हमें सुधारने के लिए आप लगे लगाया। बस माफी चाहेंगे उसके लिए। आपको लगाना चाहिए ना मास्क, इतने मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, फिर से बढ़ता जा रहा है कोरोना। आप तो युवा हैं, आपको पता होना चाहिए मास्क लगना चाहिए। हाँ नहीं लगना तो बिल्कुल चाहिए, वो तो हमारी गलती है, हम लगाते नहीं है। हाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है तो वो करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लगाना चाहिए मास्क बिल्कुल। अभी कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से। जब मामले इस तरह से बढ़ रहे हैं तो आप क्या अपील करेंगी लोगों से कि लोग आए यहाँ पर सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं? हाँ मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें सारे, जैसे हम लगा रहे हैं वैसे वो भी लगाएं, अच्छे से रहें, आए जाएं बहुत अच्छे से। आपका मास्क कहाँ है भैया, आप कहाँ से आए हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया? सहारनपुर से, हम तो सहारनपुर के रहने वाले हैं। मास्क लगाएंगे तो जान लगाएंगे, आपको लगाना चाहिए ना मास्क। तो देखिए और भी है, कई लोग हैं, ये भी है, आप बताइए आपने आपने मास्क नीचे क्यों किया है? ये थोड़ा बहुत तो जो है अपना आब हवा चेंज करने के लिए, 24 आवर्स के लिए तो मना किया हुआ, डॉक्टर ने भी मना किया हुआ, 24 घंटे पहन के रखना नहीं। तो जिस तरह से हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है ये गंभीर बात है कि लोग अगर सीधे आएंगे, कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुंभ के आयोजन पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है आगामी महाकुंभ को लेकर, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बड़ी जानकारी दी है। कहते हैं कि कुंभ में कोविड रिपोर्ट 72 घंटे पहले लाना अनिवार्य होगा, सीएस का ये आदेश है। और अब कुंभ में आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की रिपोर्ट चाहिए होगी। चलिए बाकी की डिटेल के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज का। पंकज ये बताइए, अब तक तो ये बेरोक टोक आने वाला लोगों के अंदर मैसेज जा चुका है और अब 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट लाने की खबर भी आ रही है, कैसी जानकारी मिल पा रही है देहरादून से? देखिए स्नेहता, बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐलान कर दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कि कोई भी व्यक्ति कुंभ में आए उन्हें किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी और कोरोना की जो निगेटिव रिपोर्ट है उसकी लाने की भी जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं कि कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। एक बात और मैं बता दूं कि एक कॉल सेंटर बनाया गया है यहाँ पर मेला भवन में, उस कॉल सेंटर पे यही जानकारी दी जा रही है, कोई कॉल आती है तो उस पर यही कहा जाता है कि आप कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाइए, होटल पर रजिस्ट्रेशन कराइए, सभी नियमों का पालन करिए। ये बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको सीधे आना है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी और अब बंदिशें लगा दी जाती है। तो अभी भी जो श्रद्धालु है जो देश से ये सोच रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आने की सोच रहे हैं कुंभ के दौरान कि वो हरिद्वार में आए और कुंभ का स्नान करें, उनमें फिर एक बार असमंजस की स्थिति पैदा हुई है कि आखिरकार करना क्या है उन्हें। बिल्कुल पंकज, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो कहां कौन सी साइट पे जाना है, अगर ऑफलाइन होगा तो वो कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट कहाँ से लेंगे और रिपोर्ट कहाँ दिखाएंगे, कहाँ से चल के आते वक्त कहाँ ये बैरिकेटिंग मिलेगी उन्हें, ये सारी चीजें तो अभी भी लोगों के जहन में आई हैं। अब देखते हैं कि इसको कितने जल्दी सर्कुलेट किया जाता है, व्यवस्थाएं माकूल हैं कितनी। आपका शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।
तो महाकुंभ पर लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी बीच ये भी जान लीजिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला पुलिस ने 1902 यानी 1902 हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस माध्यम से श्रद्धालुओं को कुंभ मेले से जुड़ी अहम जानकारी दी जाएगी। देश के किसी भी राज्य से 1902 पर कॉल करके कुंभ से संबंधित तरह तरह की जानकारी ली जा सकती है। और यकीन मानिए, अगर आप भी कुंभ में स्नान करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि तरह तरह के जो नियम भी बन रहे हैं, शायद इनकी भी जानकारी 1902 पे आपको मिले। तो आने से पहले एक बार जरूर कॉल करके सारी जरूरी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। और मेला प्रशासन ने हरिद्वार महाकुंभ को लेकर धर्मनगरी का रात के समय का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें धर्मनगरी की रौनक देखते ही बन रही है। दरअसल महाकुंभ को लेकर धर्मनगरी की रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है और इस वीडियो में उन सभी सजावट को रिदमिक तरीके से कुछ ऐसे दिखाया गया है कि कुंभ की भव्यता आकर्षित करे लोगों को। प्रीतम सिंह ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर निशाना साधा, कहा कि भाजपा के कार्यकाल में हर वर्ग परेशान है, भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल है। नौजवान साथियों ने भी सरकार गठन में पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन सरकार बनने के बाद आज हालत ये है कि नौजवान साथी रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। मंत्री जी के बयान देखे तो उन बयानों से, अखबार की कतरनों से ऐसा लगता है कि न जाने कितने हजारों साथियों को रोजगार मिला है, लेकिन सरकार बयान तक सीमित रही, लेकिन कोई सरकारी विज्ञप्ति भर्ती की। उधम सिंह नगर में कुमाऊं एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने हाथी के दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने रुद्रपुर के रामपुर मोड़ स्थित एक मैदान के पास से 2 तस्करों के निशानदेही पर हाथी का दांत भी बरामद किया है। बरामद हाथी के दांत की कीमत लाखों में बताई जा रही है, जिसका वजन 11 किलोग्राम से अधिक है। आपको बता दें कि 17 मार्च को भी एसटीएफ की टीम ने 8 किलो वजन के हाथी दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया था। उधर खटीमा में खैर की लकड़ी की तस्करी के मामले पुलिस ने छापेमारी करके सामने लाए हैं, जहां लाखों की लकड़ी को बरामद भी किया है। लकड़ी तस्कर का आरोपी रईस मिलर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और उधर पौड़ी में 48 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इन शिक्षकों को अलग अलग क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि काफी अच्छी पहल है कि शिक्षक अपने भीतर छिपी प्रतिभा से स्कूली बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं।